अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू होम कुकिंग विद नौशीन। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपी जो आप बना सकते हैं इफ्तारी में। तो ये है चिकन क्रिस्पी पकौड़ा। तो चलिए इसके लिए देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो बोनलेस चिकन, जिसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि फ्रेश हमने पीसा है अभी। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 एग, जो हम डायरेक्टली इसमें ऐड करेंगे, इसको बीट नहीं करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर, 1 टेबल स्पून विनेगर इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो चिली विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करें हकीम क्रिस्पी चिकन फ्राई मसाला, तो ये हम अराउंड 2-3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद अब इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नमक, मिर्च, मसाले, हर चीज़ें इस मसाले में मौजूद होती है, तो हमें नमक तक भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार इसे 3 से 4 मिनट तक हमें अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से चिकन पर लग जाए, ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से लग जाए। ऐसे फ्रिज में रख देंगे हम। ऑयल गर्म हो चुका है और एक एक करके हम अब इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट लगता है इस चिकन को फ्राई होने के लिए। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरीके से तेल को गर्म होने देना है और आपको मीडियम टू लो हीट पर ही इसे फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट में बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी चिकन पकौड़े बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट के बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। एक साइड से पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो जाए तो फिर हम इसे चेक करके टर्न कर लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है, तो यहाँ पर अभी एक साइड से ही सिर्फ चिकन पका है, इसीलिए मैं इसे टर्न नहीं करूँगी अभी। अभी इसको दूसरी साइड से हम अच्छे से फ्राई होने देते हैं। एक साइड से हो चुका है, अभी इसे हम टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ज़रूर हिट कर दीजिए। तो देखिए, हमने इसे अपने दूसरी साइड से भी टर्न कर लिया है और ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे से कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। इस पर अभी कलर नहीं आया है, इसीलिए हमें और थोड़ी देर इसे फ्राई करना होगा। देखिए, इस पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, ये पूरी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे सर्व करते हैं सॉस और चटनी के साथ। तो चिकन क्रिस्पी फ्राई बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अगर इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।